नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। बुलंदशहर के खुर्जा के थाना अरनिया इलाके में एक गांव की एक महिला को रेप के बाद जिंदा जला दिया गया। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही एक दबंग युवक ने पहले तो महिला के साथ रेप किया और बाद में दबंग युवक ने महिला के विरोध करने पर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। महिला के शोर मचाने पर आरोपी युवक फरार हो गया। परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और महिला की गंभीर हालत को देख अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया। पूरी घटना की सूचना कोतवाली में दे दी गई। पुलिस ने सूचना पर मुकदमा दर्ज किया और पीड़ित के बयान भी दर्ज किए हैं। 13 दिन बाद महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। बीते 16 दिसंबर को दिया गया था महिला के साथ रेप व जिंदा जलाने की घटना को अंजाम। हालांकि पुलिस ने उपचार के दौरान लिए गए बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया है। नरेंद्र कुमार, ये बताइए क्या हुआ था आपकी बहन के साथ? इस गांव के लड़के ने आकर कि हमारी बहन जी के साथ बलात्कार किया और फिर उसके बाद मिट्टी का तेल लेकर आग लगा दी। ये बताइए पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कुछ नहीं कर रही, उसको फरार कर देती है, कुछ नहीं कर पाती। पुलिस ने पैसे भर रखे हैं शायद या कुछ कर रखा है, मैं पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रही। मैं पूछूं जब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगमोहन है। जगमोहन, क्या हुआ था आपकी पत्नी के साथ? मेरी पत्नी के संग में बलात्कार किया और मट्टी तेल छन के आग दे के भाग गया। आप जानते हैं कौन था वो? हाँ, मैं जानता हूँ, समत है। इसी गांव का रहने वाला है? हाँ, जरारे का ही है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई कुछ नहीं कर रही। अरनिया थाना क्षेत्र में एक युवती के जलकर मरने का मामला सामने आया, क्या कुछ पूरा मामला है? ये दिनांक 16/12 का रात्र में लगभग 10 से 11 के बीच की वो है। एक व्यक्ति सुमित नाम के व्यक्ति ने जो है एक महिला के ऊपर पहले रेप किया उसके साथ और उसके साथ मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी। उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है 376A और 326A के तहत IPC के, और उसने अपना डाइंग डिक्लेरेशन भी किया है। शुरुआती जांच में कुछ और भी निकल कर आया है या मेडिकल की पुष्टि भी मेडिकल से हुई है? नहीं, उसने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में ही कहा है सब। और डाइंग डिक्लेरेशन कहाँ भर्ती थी सर वो जब से? मेडिकल कॉलेज अलीगढ़। तो कल उसकी मृत्यु हो गई? हाँ, कल मृत्यु हो गई उसकी। अब पंचायतनामा और CM उसका आज हो जाएगा। अरनिया थाना क्षेत्र में एक युवती के जलकर मरने का मामला सामने आया, क्या कुछ पूरा मामला है? ये दिनांक 16/12 का रात्र में लगभग 10 से 11 के बीच की वो है। एक व्यक्ति सुमित नाम के व्यक्ति ने जो है एक महिला के ऊपर पहले रेप किया उसके साथ और उसके साथ मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी। उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है 376A और 326A के तहत IPC के, और उसने अपना डाइंग डिक्लेरेशन भी किया है। शुरुआती जांच में कुछ और भी निकल कर आया है या मेडिकल की पुष्टि भी मेडिकल से हुई है? नहीं, उसने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में ही कहा है सब। और डाइंग डिक्लेरेशन कहाँ भर्ती थी सर वो जब से? मेडिकल कॉलेज अलीगढ़। तो कल उसकी मृत्यु हो गई? हाँ, कल मृत्यु हो गई उसकी। अब पंचायतनामा और CM उसका आज हो जाएगा। बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट।